दोस्तों इस ब्लॉग में आपको लेकर के जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर में जहां बिना सूंड के गणपति बाबा की प्रतिमा बाल रूप में स्थापित है। तो आइए दोस्तों, इस बिना सूंड वाले गणेश जी कहां पे स्थित है, वहां का नजारा कैसा है, इस मंदिर तक कैसे जाएं, ये सब के बारे में इस वीडियो में हम जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, गढ़ गणेश मंदिर जो जयपुर के ब्रह्मपुरी के पास स्थित है और शहर के बाहरी इलाकों में टैगोर रोड पे स्थित है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये टैगोर रोड है। यह जयपुर रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों जयपुर रेलवे स्टेशन से गढ़ गणेश मंदिर तक जाने का किराया ऑटो रिक्शा से 60 से 70 रुपये में आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि अरावली पर्वत पे मुकुट सा यह मंदिर दिखाई देता है। चलते हैं दोस्तों यहाँ से सीधा मंदिर की तरफ। दोस्तों हम गढ़ गणेश अरावली पर्वत के तलहटी तक पहुँच चुके हैं। दोस्तों ठीक पहाड़ी के नीचे टैगोर की छत्रिया है, यानी दोस्तों यहाँ के राजा महाराजाओं के समाधि बनी हुई है। तो दोस्तों इस टैगोर के छत्रियों के बारे में हम और किसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ से दोस्तों हम सीधा चलते हैं गढ़ गणेश मंदिर की तरफ, जो टैगोर की छत्रियों के पास से ही ऊपर चढ़ने का सीढ़ियां बनाई गई है। दोस्तों मंदिर तक जाने के लिए करीब 500 मीटर की चढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। ज्यादातर रास्ता सैंपल रैंप जैसा बनाया गया है, कुछ सीढ़ियां भी है, इनकी संख्या 300 से ज्यादा बताई जाती है। दोस्तों सीढ़ियों की चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है, इसीलिए दोस्तों यहां से दो रास्ते बनाया गया है। एक सीढ़ी से भी आप जा सकते हैं और एक सैंपल पहाड़ पे चढ़ते हुए भी आप मंदिर तक जा सकते हैं। हम किस रास्ते से जाएं ये डिसाइड करने से पहले यहाँ से जयपुर शहर का व्यू देख लेते हैं। अगर आप सीढ़ियों चढ़ के जाते हैं दोस्तों तो समय और सीमा दोनों कम तय करनी पड़ेगी। अगर सैंपल रास्ते से जाते हैं दोस्तों तो आपको समय और सीमा डबल हो जाती है। दोस्तों ज्यादातर लोग लंबे रास्ता ही तय करते हैं, तो हम भी दोस्तों सीढ़ियों की तरफ से नहीं जा करके हम लंबे रास्ते से चलेंगे ताकि हमारे सांसें नहीं उखड़े और थकान कम हो। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों रास्ते में चलते चलते दोस्तों इस मंदिर के बारे में हम कुछ आप लोगों को बता देते हैं, तो बने रहे दोस्तों इस वीडियो में शुरू से एंड तक। दोस्तों मंदिर का निर्माण जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह ने कराया था। सवाई जय सिंह ने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। इस दौरान तांत्रिक विधि से इस मंदिर की स्थापना कराई थी। यह मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है उसकी तलहटी में ही अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ था। दोस्तों 15 से 20 मिनट के चढ़ाई चढ़ने के बाद ये पहला गेट आता है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये पहला गेट है और इसी गेट पे दोस्तों पीने का पानी का व्यवस्था की गई है। यहाँ पे सुबह से 6 बजे से शाम को 6 बजे तक एक व्यक्ति हरदम पानी पिलाने के लिए तैनात रहता है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ से दिखने वाले कुछ पहाड़ियों के खूबसूरती को हम देख लेते हैं। बारिश में यह पूरा इलाका हरियाली से खूबसूरत नजर आती है। यहाँ ठंडी हवा के कारण चढ़ने से होने वाली थकावट पल भर में गायब हो जाती है। दोस्तों बिना सूंड वाले गणेश जी का यह प्राचीन मंदिर राजस्थान के राजधानी जयपुर में स्थित है। शहर के उत्तर में अरावली की पहाड़ी पर मुकुट जैसा यह मंदिर नजर आता है। यह मंदिर गढ़ गणेश के नाम से विख्यात है। यह राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में से एक है। गढ़ गणेश मंदिर का निर्माण खास तरह से कराया गया है। पूर्व राज परिवार के सदस्य जिस महल में रहते हैं उसे चंद्र महल के नाम से जाना जाता है। यह सिटी पैलेस का हिस्सा है। चंद्र महल की ऊपरी मंजिल से इस मंदिर में स्थापित मूर्ति के दर्शन होते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस मंदिर का ये दूसरा गेट है जो कुछ सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जानी पड़ती है। दोस्तों जैसे ही आप ये दूसरा गेट पार करेंगे वही रास्ता आपको दिखाई देगा
जो नीचे आपको मैं कठिन रास्ता के रूप में बताया था। तो आइए दोस्तों, इस गेट से आगे बढ़ने से पहले यहाँ से दिखने वाले कुछ पहाड़ियों की खूबसूरती को भी हम देख लेते हैं। और देखते ही देखते दोस्तों हम मंदिर के सामने आ खड़े हुए हैं, जो यहाँ से कुछ दूरी पे ही मंदिर दिखाई दे रही है। दोस्तों मंदिर की तरफ चलते चलते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में दोस्तों नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस करके सेव कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं ऐसे ही धर्मस्थल यात्रा ज्ञान की वीडियो लेकर के आऊं तो आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहा जाता है कि पूर्व राजा महाराजा गोविंद देव जी और गढ़ गणेश जी के दर्शन करके अपनी दिनचर्या का शुरुआत करते थे। दोस्तों मंदिर में दो बड़े चूहे भी है, जिसके कान में दर्शनार्थी अपनी मन्नत मांगते हैं। दोस्तों यहाँ गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन यहाँ पर भव्य मेला का आयोजन होता है। दोस्तों अगर आप इस गढ़ गणेश की कहानी को नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पे स्थित प्लेलिस्ट जिसका नाम है धर्मस्थलों की कहानियां, उसके अंदर दोस्तों जा करके आप इस गढ़ गणेश की कहानी को अच्छी तरह से देख और सुन सकते हैं। दोस्तों जैसे ही मंदिर के सीढ़ियां खत्म होती है और मंदिर के चबूतरा आता है, उस चबूतरे के पास में एक छोटा सा बोर्ड पे लिखा हुआ है, कैमरा और मोबाइल परिसर के अंदर बंद करके रखें। यानी दोस्तों यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ये मंदिर के मेन गेट है और गेट के दोनों साइडों में चेतावनी दी गई है कि अंदर कैमरा लेके जाना मना है और आप कैमरे की नजर में हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये गढ़ गणेश मंदिर का मेन गेट है। तो चलते हैं दोस्तों, हम इस गेट के अंदर से मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि कैमरा कहां तक ले जा पाता हूं। सॉरी दोस्तों, मैं यहां से आगे कैमरा नहीं लेकर के जा सकता, क्योंकि यहां पे मना किया जा रहा है कि कैमरा बंद करो। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, सामने ही सामने गणेश जी का मंदिर है। दोस्तों मैं गणेश जी का दर्शन कर चुका हूं, अब आप लोगों को इस गढ़ गणेश से जयपुर का खूबसूरत नजारा दिखा देता हूं। दोस्तों मैं इतनी दूर से आ करके आप लोगों को गणेश जी का दर्शन नहीं करा सका, इसके लिए माफी चाहता हूं। तो चलते हैं दोस्तों इस गढ़ गणेश मंदिर से जयपुर का नजारा कैसा दिखता है, यहां से भी आप लोगों को दिखा देता हूं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, गढ़ गणेश मंदिर से जयपुर की सुंदरता देखती ही बनती है। यहाँ से जयपुर का पूरा शहर नजर आता है। एक तरफ पहाड़ी पर नारगढ़, दूसरी तरफ पहाड़ी के नीचे राजमहल, जल महल, सामने की तरफ शहर की बसावट का खूबसूरत नजारा यहाँ से देखा जा सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं कोई और वीडियो में धर्मस्थल यात्रा ज्ञान को लेकर। गणेश जी आप सभी को सुख शांति दे।